बेसमेंट ना हो गया जी का जंजाल हो गया, कभी दिल्ली तो कभी जयपुर, बेसमेंट ने कई जिंदगियां अपने अंदर निगल ली। देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी 1 अगस्त को ही भारी बारिश से ठीक वैसा ही हादसा हुआ जैसा 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ था। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक घर के बेसमेंट में बारिश का पानी घुसने से 6 साल की एक बच्ची समेत 3 लोग डूब गए। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम जयपुर का यह हादसा क्यों दोहरा रहे हैं, तो बता दें जयपुर का यह हादसा बिहार से जुड़ा है। जी हां, जान गंवाने वाले लोग बिहार के थे। तानिया की मौत से अभी बिहार उभरा नहीं था कि 23 साल के कमल साह, 19 साल की पूजा सैनी और उनकी भतीजी पूर्वी सैनी की बेसमेंट में डूब कर मौत हो गई। जयपुर में हुए हादसे को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी दुख जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, जयपुर के घर में बेसमेंट में पानी जमा होने से बिहार के 3 लोगों की डूबकर हुई मृत्यु दुखद है। स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली को राजस्थान सरकार से समन्वय स्थापित कर घटना की विस्तृत जानकारी लेकर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। बता दें जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में अपने घर के बेसमेंट में घुसे बारिश के पानी का शिकार हुए 3 लोग बिहार के थे। डीसीपी पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे उनके घर में बेसमेंट में पानी घुसने के बाद परिवार वालों ने अपने सामान को निकालना शुरू कर दिया, लेकिन बेसमेंट तक जाने वाला रास्ता संकरा और गहरा था। देखते ही देखते बेसमेंट में पानी इतनी तेजी से भरा कि 2 परिवारों के 3 लोग फंस गए। बचाव अभियान शुरू किया गया और बारिश के पानी को बाहर निकाला गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेसमेंट ने 3 जिंदगियां निगल ली थी। पुलिस ने बताया कि कई घंटों तक चले बचाव अभियान के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने शवों की बरामदी की। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना पर शोक व्यक्त करते हुए राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।